सेहत बहुत ज़रूरी है, मुझसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जान सकता। सो सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई को, बामला फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज़ इनकी वजह से हम लोग बहुत सारे अच्छे कामों के साथ जुड़े रहते हैं। और इस बार जो इनिशिएटिव SBI की तरफ से और बामला फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, ये रेडियो मिर्ची पार्टनर हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम लोग रोज़मर्रा की दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ें जो इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज नहीं, हमें आगे चल के रियलाइज़ होगा हमारी आने वाली जनरेशन को कि हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को बचाना, और हम लोग हमेशा किसी ना किसी तरीके एनवायरनमेंट के लिए काम करते रहते हैं। जैसे ग्रीन गणेशा कैंपेन किया था, फिर उसके पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से 1 करोड़ पौधे लगाए गए थे 2-3 साल पहले। सो हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ जहाँ हम लोग इस चीज़ को जो है और आगे ले जा सकें आप सब लोगों की मदद से, और अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग भी इस कैंपेन में जो है सबका साथ दे रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। कितना डिफिकल्ट या आसान रहा है अपनी सेहत को रिकवर करना और फिर से वही पावर और वही मोटिवेशन के साथ आना? सर बहुत मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एक बार हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं ग्रीन मुंबई की बात करूँ, एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो मैंने एक पिछले 4-5 साल से एक रूटीन बना रखी है कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मैं अभी मनाली गया था तो डलहौजी गया था, तो मैं वहाँ पे एक पेड़ ज़रूर लगाता हूँ ताकि आने वाले कई सालों बाद वहाँ पे जाएं तो चलो कम से कम यही रहे कि यार हम लोग एक पेड़ लगा के गए थे, कैसा है, क्यूरियोसिटी रहती है और एक अच्छा काम भी है। हम सब लोग प्रेरित भी करते हैं सबको, और मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता रहता हूँ, और सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस ग्रेट नॉवल कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी और हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं। सो थैंक यू। वो भी करेंगे जरूर, वो भी बात करेंगे बाद में। पर्यावरण और मैराथन के संबंधित विषय पे बोल रहे। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो शो भी आते रहेंगे, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.